तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ फ्री फायर का बहुत ही खतरनाक चैलेंज, जहाँ पर मेरे को बिना किसी गन स्किन के ब्रोंज से ग्रैंड मास्टर पे अपनी रैंक को लेके जाना है। और अगर आप लोगों ने इस सीरीज का लास्ट एपिसोड देखा है तो हम लोग फाइनली मास्टर पे तो आ गए थे, लेकिन जैसे हमारी रैंक बढ़ती जा रही है वैसे ही हमारी हार्ड लोबी भी गेम के अंदर बढ़ती जा रही है। अब आप लोग ही देख लो, जैसे मैं लास्ट एपिसोड को अपलोड करने के बाद गेम चालू करता हूँ तो मेरे पहले गेम के अंदर ही मेरे गेम के अंदर लिटरली रीजन वाला बंदा आ जाता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, वैसे ये भाई यूएमपी के रीजन के अंदर तो है ही, और उसी के साथ कोने में आप लोग रैंक भी देख सकते हो, ये इंडिया के अंदर टॉप 15 नंबर पे है, वो भी रीजन में। अब इतने बढ़िया प्लेयर को देख के मैं अपने मन के अंदर तो ठान लेता हूँ कैसे ना कैसे करके इस एनिमी को तो किल करना है। हम लोग गेम के अंदर आ जाते हैं और हर बार की तरह मैं अपने रिसप्लाई पे उतर जाता हूँ, और मेरा रिसप्लाई आया था मिल के ऊपर, और यहाँ से मेरे को एक्समेट मिल जाती है। जैसे मैं नीचे की साइड जाता हूँ यहाँ पर एक एनिमी रहता है जिसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, उसका सोनी एक्टिवेट कर देता हूँ, लेकिन उसके पास दिमित्री होता है जिससे वो रिवाइव होना शुरू हो जाता है। और जैसे मैं उस एनिमी के पास पहुंचता हूँ वो रिवाइव भी हो चुका था, लेकिन मैं उस बंदे को बॉडी शॉट से खत्म कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इस एनिमी को खत्म करा था, इतने ही एक और एनिमी मेरे को डैमेज दे देता है, और यहाँ से हील करके मैं उस एनिमी के ऊपर फ्लैश फ्रीज फेंकता हूँ और उस बंदे को मैं बहुत सारा डैमेज देता हूँ एंड हेड भी मारता हूँ। वो बंदा डाउन हो जाता है और मैं जाके फटाफट से उसे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा हेड शॉट से किल आया एंड यहाँ पे हमारे दो किल हो चुके हैं। अब इन दोनों एनिमीज को किल करने के बाद मेरे को लग रहा था यहाँ पे मिल खाली हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं लूट रहा होता हूँ, एक बंदा मेरे को पीछे से डैमेज दे देता है, मैं उस बंदे को अच्छा खासा डैमेज तो दे देता हूँ, लेकिन उस बंदे की किस्मत बहुत ही बढ़िया होती है, वो बच जाता है। अब इस बंदे ने मेरी ड्रेस देखी हुई थी तो इसको क्या लग रहा था मैं नू प्लेयर हूँ, ये बंदा मेरे पीछे पीछे आ जाता है। मैं इसको फिर से थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ एंड थोड़ा पीछे हटते हुए मैं एक और फ्लैश फ्रीज फेंकता हूँ, लेकिन ये बंदे को मेरी लोकेशन मालूम नहीं होती है जिसकी वजह से मैं इसको हेडशॉट से खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा तीसरा किल भी हो जाता है। अब मिल पे थोड़ा बहुत होल्ड करने के बाद गाड़ी को लेके हम लोग आ जाते हैं जोन के अंदर। यहाँ पे पर्पल वेंडिंग मशीन गिरी होती है जिस पर जाके मैं AWM को परचेज कर लेता हूँ, और इस गेम के अंदर मैं गाड़ी का यूज करके ही सर्वाइव करने वाला था। और गाड़ी का यूज करके सर्वाइव करना कितना आसान होता है, कब कब मैं टॉप 20 से टॉप 10 के क्लोज में आ जाता हूँ मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता है। अब पोचिनोक पे कुछ एनिमीज गाड़ी वगैरह चला रहे होते हैं तो मैं अपनी गाड़ी से उतर जाता हूँ एंड एक एनिमी मेरे सामने से लैम्बोर्गिनी लेके आ रहा होता है, मैं उस बंदे की गाड़ी से ला देता हूँ एंड वो बंदा तो कवर में चले जाता है, लेकिन एक बंदा मेरे को पीछे से डैमेज देना शुरू कर देता है एंड वो वही रीजन वाला बंदा होता है, इसलिए मैं गाड़ी को लेके यहाँ से बच के निकल जाता हूँ। आगे चल के मैं एक बंदे को गाड़ी से उड़ा देता हूँ एंड एडलम से मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो खुद को पूरा कवर कर लेता है, तो मैं गाड़ी को फिर से घुमा के लेके आता हूँ एंड उसको फिर से गाड़ी से उड़ा देता हूँ। इस बार भी बंदा बच गया था, लेकिन इस बार मैं उसको स्नाइपर से एक गोली से डाउन कर देता हूँ, वो बंदा अंदर जाके डाउन हो जाता है, मैं जाके उसे फटाफट से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा चौथा किल हो जाता है। इस एनिमी को किल करने के बाद हमारा जोन तो आ ही गया था, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठ के जोन के लिए निकल ही रहा होता हूँ कि यहाँ पे एक एनिमी दिखता है जिसको मैं गाड़ी से उड़ा देता हूँ एंड मैं 10 से बहुत ही आसानी से खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे 5 किल हो गए थे एंड फिर से मैं गाड़ी को लेके आगे की साइड को निकल जाता हूँ। अब मैं गाड़ी को लेके घूम ही रहा होता हूँ कि मेरे को कुछ एनिमीज दिख जाते हैं जो कि पहाड़ की साइड होते हैं, मैं उन एनिमीज से फाइट लेने की कोशिश कर ही रहा होता हूँ, एक बंदे को डैमेज देता भी हूँ, लेकिन नीचे से एक बंदा मेरे ऊपर थर्ड पार्टी कर देता है एंड मेरे को बहुत सारा डैमेज दे देता है, तो मैं गाड़ी को लेके थोड़ा पीछे की साइड भाग जाता हूँ, लेकिन यार ये बंदा मेरी गाड़ी को जला देता है और मैं जोन के बाहर हो जाता हूँ। मैं पहले ग्लूवल से अपने को कवर करता हूँ और ये बंदा भाई जोन के बाहर भी आने को तैयार था मेरे को किल करने के लिए, लेकिन मैं लॉन्चर पैड का यूज करके जोन के लिए निकल जाता हूँ। और जैसे मैं जोन के अंदर पहुंचता हूँ मैं यहाँ पे थोड़े बहुत माइन वगैरह भी लगा देता हूँ, अगर वो बंदा मेरे पीछे आया तो एलिमिनेट हो जाएगा सीधा। अब यहाँ पे मेरी किस्मत इतनी बढ़िया थी, जहाँ पे मैं उतरा था यहाँ पर पहले से एक बाइक पड़ी होती है, तो मैं बाइक के अंदर बैठ जाता हूँ और सामने एक एनिमी होता है उसको मैं उड़ा देता हूँ एंड मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यार यहाँ पे मैं मरना नहीं चाहता था इसलिए मैं फाइट को थोड़ा बहुत अवॉइड करके एक अच्छी सी जगह पे आ जाता हूँ जहाँ से मैं अच्छी तरीके से फाइट वगैरह ले पाऊँ। यहाँ पे देखते देखते हमारा सेफ जोन भी बिल्कुल छोटा होता जा रहा था और मेरे को रीजन वाले बंदे का कुछ अता पता ही नहीं था। ओके, सामने कुछ बंदे फाइट कर रहे हैं, मैंने एक बंदे को तो उड़ाया है और इस बंदे को हम लोग AWM मारने की कोशिश करते हैं। भाई डैमेज तो दिया लेकिन बंदा मरा नहीं है। अभी एक और गोली मारते हैं, भाई मिस हो गया, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा मिस हुआ, वरना अगर लग जाती तो बंदा खत्म हो जाता। खैर इसी के साथ हम लोगों ने अपने को पूरा कवर कर लिया, हम लोग पहले हील कर लेते हैं एंड ग्लूवल खोल के इस बंदे को खत्म करने की कोशिश करते होंगे। यहाँ पे मैंने इस बंदे को फाइनली हेडशॉट से डाउन कर दिया, इसको हम लोग फटाफट से क्लियर करते हैं। अबे यार ओके, यहाँ पे मैंने इसको क्लियर तो कर दिया, हम लोग चलते हैं जोन के अंदर। भाई लिटरली मेरी जोन की वजह से पूरी हेल्थ खत्म हो गई थी। अब देखते हैं हमारे अलावा दो बंदे और बचे एंड मेरे को किसी भी एनिमी की लोकेशन मालूम नहीं है। अब यहाँ पे मैंने UAV का यूज करा है जिसकी वजह से मेरे को ओके, भाई सामने ये रीजन वाला बंदा वो अभी के टाइम पे अलाइव है।
तो हम लोग उसे किल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे को लग तो रहा था कि मैं रीजन वाले एनिमी को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें थी। मैंने उस एनिमी को आयरिस का यूज करके एडवलम से पहले डैमेज भी दिया था, लेकिन यार ये बंदा इतनी ज्यादा मूवमेंट कर रहा था एंड मेरे को बहुत ज्यादा डर था। मैं इस एनिमी को यहाँ पे खत्म कर सकता था, लेकिन मेरे को डर था दूसरे एनिमी का, जो कि मेरे को मालूम ही नहीं था कहाँ पर छुपा हुआ है। लेकिन उसका मार्क तो आ रहा था, लेकिन मेरे को उसकी लोकेशन नहीं पता थी, इसलिए मैं तो जोन के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे थोड़े बहुत नेड़ वगैरह करता हूँ ताकि दोनों बंदे एलिमिनेट हो जाए, लेकिन किसी को भी डैमेज नहीं आ रहा था। मेरे को मालूम ही नहीं था यहाँ पर चल गया रहा है और मेरी ग्लूवल खत्म हो गई थी, लेकिन इतना ही बंदा मेरे सामने आता है और मेरे को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है और आगे चल के यही रीजन वाला बंदा बुइया भी निकाल लेता है। इस मैच के अंदर हमको बुइया तो नहीं मिल पाता, लेकिन 24 की प्लस मिल जाती है। और इसी के साथ आप लोग देख सकते हो जो प्लेयर हमारे गेम के अंदर आया था वो रीजन के अंदर चल रहा है टॉप 15 नंबर पर, आप लोग इनके आईडी भी देख सकते हो। खैर इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले गेम के अंदर। किस्मत की वजह से हम लोग पिछले मैच के अंदर तो बुइया नहीं ले पाए, लेकिन अगले गेम के अंदर इतनी बढ़िया किस्मत हो जाती है कि फ्री का बुइया मिल जाता है। वो कैसे आप लोग खुद ही देखो। इस गेम में हमारे केवल 3 किल रहते हैं और हमारे सामने कुछ एनिमीज फाइट कर रहे होते हैं। मैं गाड़ी से एक बंदे को उड़ा देता हूँ, लेकिन एक बंदा मेरा किल चोरी कर लेता है, तो मैं आयरिस का यूज करता हूँ एंड एक बंदे को हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ एंड 2 हेडशॉट लग भी जाते हैं, लेकिन वो बंदा गाड़ी के अंदर बैठ जाता है एंड मैं गाड़ी में एम लेके उस बंदे को डाउन कर देता हूँ और फटाफट से क्लियर कर देता हूँ। क्या पता वो बंदा हमारा दूसरा किल भी चोरी कर ले। अब जिस बंदे ने किल चोरी करा था उस बंदे को भी मैं हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ, हेड लगता भी है, लेकिन यहाँ पे आयरिस की एबिलिटी खत्म हो जाती है। तो मैं गाड़ी का यूज करके थोड़ा पीछे की साइड जा ही रहा होता हूँ कि यहाँ पे एक लड़की होती है जो कि लिटरली ओपन में भाग रही होती है। मैं उसको गाड़ी से उड़ाता हूँ एंड वो बंदी सीधा गाड़ी से ही खत्म हो जाती है। यहाँ पे मेरे को गाड़ी से उतरने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब इतने मैं थोड़ा गाड़ी को घुमाता हूँ, मेरे पीछे कुछ एनिमीज फाइट कर रहे होते हैं। मैं एक बंदे को गाड़ी से उड़ाता हूँ, वो बंदा जाके डाउन हो जाता है। मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यार वो बंदा रिवाइव हो रहा था। अब इस बंदे को जाके मैं फटाफट से क्लियर कर देता हूँ। मेरे को कुछ समझ आता ही नहीं है, मेरा यहाँ पर बुइया हो जाता है। खैर इस मैच के अंदर हमको 29 की प्लस मिल जाती है और इसी के साथ मैं आ जाता हूँ अगले गेम के अंदर। यहाँ पर इस वाले घर के ऊपर एक बंदा होता है जो कि बहुत देर से कैंप करके लोगों की गाड़ी जला रहा था। अब जैसे मैं थोड़ा पीछे की साइड आता हूँ, मेरे को यहाँ पे उस बंदे का लॉन्च पैड दिख जाता है जिसकी वजह से वो ऊपर गया है। तो मैं इस लॉन्च पैड का यूज करके थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट करके मैं भी ऊपर चला जाता हूँ एंड यहाँ पर वो बंदा लिटरली बैठा होता है। उसे मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं भी ऊपर आ चुका हूँ। मैं पहले डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, एम नहीं आ रहा। थोड़ा आगे जाता हूँ, इस बंदे को मैं बॉडी शॉट से डाउन कर देता हूँ एंड फटाफट से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एक बंदा मेरे ऊपर थर्ड पार्टी भी कर रहा था, लेकिन होपफुली वो बंदा मेरे को ज्यादा डैमेज नहीं दे पाया। अब हाइट का एडवांटेज लेके मैं किसी एनिमी को जोन के अंदर नहीं आने दे रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था लोगों को, लेकिन यहाँ पर मैं किसी भी एनिमी को किल नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर केवल मेरे 4 किल थे और वही मेरे 4 किल रह जाते हैं आखिरी के जोन के अंदर। हमारा जोन बिल्कुल छोटा हो जाता है। जिस बंदे को मैं पहले परेशान कर रहा था वो बंदा चिमनी के नीचे आ गया था। मैं इस बंदे के ऊपर पहले नेट का यूज करता हूँ एंड ये बंदा ग्लूवल लगा लेता है। मैं आयरिस का यूज करता हूँ, ये बंदा कवर की तरफ भागता है। मैं इसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यार नहीं दे पाता हूँ डैमेज एंड मैं इस एनिमी के ऊपर सारे नेड वगैरह ही फेंक देता हूँ, लेकिन नेड का भाई बहुत ही कम डैमेज आता है। अब मैं जैसे पीछे आता हूँ, यहाँ पर एक लड़की भाग रही होती है। मैं उसको डैमेज देके आसानी से खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे अब हमारे अलावा खाली 2 ही बंदे बचे थे। एक एनिमी मेरे सामने था, मैं उसको बॉडी शॉट मारता हूँ, हेड शॉट भी मारता हूँ, लेकिन गलती से स्मोक पड़ जाता है और यहाँ पे हर तरफ स्मोक ही हो जाता है। मेरे को वो एनिमी दिख नहीं रहा था एंड यहाँ पे मैं लॉन्चर वगैरह भी फेंकता हूँ, लेकिन बंदे को डैमेज जाता ही नहीं है। और देखते देखते हमारा जोन भी आ गया था, इसलिए मैं नीचे की साइड को ही आ जाता हूँ। अब जैसे मैं ऊपर से नीचे आता हूँ, मेरे सामने एक एनिमी रहता है, इसलिए मैं पेड़ के पीछे आ जाता हूँ। अब जो हमारे सामने एनिमी था साइसो से मेरी लोकेशन मालूम नहीं थी, वो हील कर रहा था। मैं उसे शांति से हेड बना के खत्म कर देता हूँ और आखिरी वाला बंदा मेरे ऊपर रश कर रहा होता है, मैं उसको बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ एंड वो बंदा ग्लूवल लगा लेता है। मैं आयरिस का यूज करके उसके हेड पे एम लेके उसे डाउन कर देता हूँ एंड फटाफट से क्लियर करके यहाँ पर हमारा हो जाता है बुइया। इस मैच के अंदर हमको 30 की प्लस मिल जाती है और इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं अगले गेम के अंदर। यहाँ पर घर के अंदर एक एनिमी होता है जो कि हील कर रहा होता है, उसमें पहले थोड़ा बहुत बॉडी शॉट मारता हूँ एंड हेड शॉट से खत्म कर देता हूँ। अब जैसे मैं इस एनिमी को लूट रहा था ग्लूवल लगा के, यहाँ पर एक एनिमी आ जाता है और आयरिस का यूज कर लेता है। मैं भी आयरिस का यूज कर लेता हूँ, मेरे पास बाइजन थी जिसकी वजह से यहाँ पर ग्लूवल बहुत ही आसानी से पड़ जाती है एंड मैं उस बंदे को थोड़ा बहुत बॉडी शॉट देता हूँ और फिर बॉडी शॉट से उसे डाउन कर देता हूँ एंड उस एनिमी को डाउन करने के बाद फटाफट से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे 4 किल तो हो जाते। अब यहाँ से लूटने के बाद जैसे मैं बाहर की साइड आता हूँ, यहाँ पे एक एनिमी होता है जिसको मैं थोड़ा बहुत बॉडी शॉट एंड हेड शॉट भी मारता हूँ एंड फिर आयरिस का यूज करके उसके हेड शॉट पे एम लेके फटाफट से उसे खत्म कर देता हूँ। इसी के साथ यहाँ पे हमारे 5 किल हो चुके थे और इसी के साथ मैं एक एक करके ऐसे अपने 8 किल कर लेता हूँ और मैं सीधा जोन के अंदर आ जाता हूँ। जैसे मैं जोन के अंदर आता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत वेंडिंग मशीन से सामान खरीदने वाला था, लेकिन यहाँ पे मेरे को किसी एनिमी के फुटस्टेप आ रहे होते हैं तो मैं यहाँ पर माइन वगैरह लगा देता हूँ। मेरे को मालूम था अंदर कोई सर्वाइव कर रहा है और देखो बंदा फायर वगैरह
करने लग जाता है। मैं उसका लैंडमाइन भी फोड़ देता हूँ एंड जैसे मैं जोन के अंदर जाता हूँ वो बंदा तो मेरा किल बन जाता है एंड इतने एक और एनिमी इधर आ जाता है जो कि मेरे को डैमेज देने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, मैंने यहाँ पे मोशन ट्रक को बुला लिया और वो बंदा मेरे सामने आ रहा है। उस बंदे को मेरी लोकेशन मालूम ही नहीं है एंड यहाँ पे मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ उस बंदे को मारने के लिए, वरना उस बंदे को हेडशॉट मार सकता था। लेकिन चलो बंदा हमारे सामने आया, मैंने उसे डैमेज दिया ओके एंड यहाँ पे बंदा हमारे मोटर ट्रक में बैठ गया। हम एक काम करते हैं, इसी के साथ बैठे रहेंगे ओके। यहाँ पर आखिरी वाला बंदा यहाँ पर है, हमारे अलावा खाली दो ही बंदे, एक तो ये एंड एक पीछे बंदा था जो कि आगे चल के मैं इस एनिमी का मोशन ट्रक जलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बंदा ट्रक को लेके आगे की साइड भाग जाता है। अब हमारे सामने एक और एनिमी था, उस बंदे को खत्म करने की कोशिश करता हूँ लेकिन उसे नेट का डैमेज पड़ता ही नहीं है। अब यहाँ पे जो दोनों एनिमी थे ये दोनों आपस में फाइट करने लगे थे, मेरे को लगा थर्ड पार्टी से बहुत ही आसानी से बुया हो जाएगा, लेकिन इतने ही एक बंदा मेरे सामने आ जाता है और इस बंदे के पास ट्रोगन होती है, लेकिन फिर भी मैं इसको बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ एंड ये बंदा ही मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है। मैं फटाफट से कवर करता हूँ एंड हील कर लेता हूँ। इतने भाई दूसरा वाला बंदा भी हमारे सामने आ जाता है जो कि देखो उधर छुपा हुआ है। अब यहाँ पे हमारा जोन आ ही रहा था तो मैं मोशन ट्रक को समान कर लेता हूँ एंड जैसे ही मैं मोशन ट्रक को लेकर जोन के अंदर जा रहा हूँ मेरे को लगता है मेरा मोशन ट्रक जल गया, इसलिए मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ लेकिन जला नहीं होता है, मैं वापस से बैठ जाता हूँ। अब मैं मोशन ट्रक को चला नहीं सकता था क्योंकि ये बंदे मेरे हेड शॉट बना के मार सकते थे, इसलिए मैं जोन के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं आयरिस का यूज कर लेता हूँ। अब दोनों बंदों की लोकेशन मेरे को दिख रही थी, मैं फटाफट से ग्लूबल को खोलता हूँ। ये दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं, पहले मैं एक बंदे को खत्म कर देता हूँ एंड दूसरा वाला बंदा मेरे सामने ही रहता है जिसकी लोकेशन मेरे को दिख रही होती है, लेकिन यार वो बंदा खुद को कवर करके बैठा हुआ था एंड मैं जंप करके उसकी ग्लोबल के अंदर घुस जाता हूँ एंड उस बंदे को बॉडी शॉट से डाउन कर देता हूँ एंड फटाफट से किलर करके यहाँ पे हमारा हो जाता है बुई। एंड कसम से भाई इस गेम में इतनी खतरनाक सिचुएशन बैठ गई थी जब मैं इस गेम को खेल रहा था, मेरे हाथ लिटरली कांप रहे थे। वैसे इस मैच के अंदर हमारे 11 किल थे जिसकी वजह से हम लोगों को इस मैच के अंदर टोटल 32 की प्लस मिल जाती है और इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारी दो बुई की स्ट्रिक भी लग जाती है। खैर हम लोग चलते हैं फटाफट से अगले गेम के अंदर। वैसे बात करें इस वाले मैच की तो इस मैच के अंदर हमारा एक ही किल रहा था और यहाँ पर जो लोबी है वो बहुत ही बढ़िया आई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर अच्छा खासा सरवाइव करा है। अब हम लोग यहाँ पे किल निकालने की कोशिश करने वाले हैं और यहाँ पर देखो भाई जोन भाई बिल्कुल गलत जगह पे बनने वाला है जहाँ पर कोई भी कवर नहीं रहेगा, इसलिए मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर गाड़ी को खड़ी करके गाड़ी को जला दूंगा जो कि हमारा पक्का कवर बन जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को एक बढ़िया सी जगह मिल जाती है जहाँ पर मैं गाड़ी को जला देता हूँ एंड इसी के साथ यहाँ पे हमारे सामने एक एनिमी रहता है जिसको मैं पहले एक गोली मार देता हूँ, वो बंदा ओरियन बन जाता है एंड मैं आयरिस का यूज करके उसकी ग्लूवल पे लगा देता हूँ एंड यहाँ पर दूसरी गोली में उस बंदे को खत्म कर देता हूँ। इतने ही एक बंदा हमारे ऊपर थर्ड पार्टी कर रहा था एंड वो बंदा यहाँ से रोटेशन लेना शुरू कर देता है और मैं इस एनिमी को बार बार AWM से डैमेज दिए जा रहा था लेकिन ये बार बार खुद को कवर कर ले रहा था और आगे चल के इस एनिमी की किसी और एनिमी से फाइट हो जाती है तो मैं एक काम करता हूँ, तो मेरे पास लूट वगैरह नहीं थी तो मैं आगे चल के लॉन्चर पैड का यूज करके अपने किल को लूटने के लिए चले जाता हूँ। यहाँ से मेरे को ग्लूबॉल भी मिल जाती है एंड यहाँ पे मेरे को साइलेंसर भी मिल जाता है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर लूटने आया था तब मेरे को मालूम पड़ता है मेरे घर के नीचे ही कुछ एनिमीज फाइट कर रहे हैं। अब मेरे को यहाँ पे डर लग रहा था यहाँ पे थर्ड पार्टी करके ये लोग मेरे को मार ना दे, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक बंदे ने तो अपने को पूरा कवर करा हुआ था और एक एनिमी मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है। मैं उसको हेडशॉट वगैरह भी मारता हूँ एंड इस बंदे को मैं AWM से मारने वाला था। मैं आयरिस का यूज करता हूँ एंड इसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, पहले मेरे सामने आता है मैं इसको एक गोली मार देता हूँ एंड दूसरी गोली से इस बंदे को डाउन कर देता हूँ, फटाफट से क्लियर करता हूँ और एक एनिमी हमारा जोन के बाहर से फायर कर रहा था लेकिन यार वो बंदा खुद की ग्लूवल के अंदर फंसा हुआ था, वो एलिमिनेट हो जाता है और सामने हमारे आखिरी का बंदा बसता है एंड इस बंदे के ऊपर मैं ग्लू मेल्टर वगैरह फेंक देता हूँ। मैं इसकी ग्लूवल के ऊपर ग्लू मेल्टर तो फेंकता हूँ लेकिन तब मेरे को मालूम पड़ता है ये बंदा पीछे की साइड जा चुका है। मैं इसको एक AWM मारता हूँ एंड ये बंदा ग्लूवल लगा लेता है, फिर मैं इसके ऊपर ग्लू मेल्टर वगैरह फेंकता हूँ। ना जाने इस बंदे का नेटवर्क जा रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, ये बंदा ग्लूवल लगा ही नहीं रहा था, ये ओरियन का यूज कर लेता है एंड मैं इसको एक गोली मारता हूँ एंड ये ना जाने खड़ा हो जाता है। मैं इसको दूसरी गोली मार के खत्म कर देता हूँ एंड फाइनली यहाँ पर हमारा हो जाता है बुईया। और जो कि इस मैच के अंदर हमारे केवल 4 किल थे तो इस मैच के अंदर हमको केवल 27 की ही प्लस मिलती है। अब ऐसे ही हम लोग रैंक पुश करते रहते हैं, इसके अगले मैच के अंदर भी मैं बुईया लेता हूँ जहाँ पे मेरे को 31 की प्लस मिलती है और यहाँ पे हमारी दो बुईया की स्ट्रिक भी हो जाती है और उसके अगले गेम के अंदर यहाँ पे भी मैं बुईया लेता हूँ और यहाँ पे भी मेरे को 31 की ही प्लस मिलती है, लेकिन इस मैच के अंदर हमारी 3 बुईया की स्ट्रिक हो जाती है। अब ऐसे ही मैं अपनी रैंक को बढ़ाते बढ़ाते मास्टर 2 स्टार के बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था, लेकिन इस गेम के अंदर एक बंदा मेरे घर के अंदर आ जाता है जिसके पास ट्रोगन होती है और वो मेरे को बहुत ही इजीली खत्म कर देता है एंड जैसे मैं बैक करता हूँ यहाँ पर मेरे को केवल 16 की प्लस मिलती है, लेकिन फाइनली हम लोग मास्टर 2 स्टार पे आ जाते हैं। एंड गाइस अगर आप लोग को हमारा करंट स्कोर जानना है तो करंट स्कोर को जानने से पहले देखो भाई अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब ये आपको वीडियो थोड़ी बहुत तो पसंद आ रही होगी, तो देखो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, ये चीज तो बिल्कुल
फ्री है। खैर इसी के साथ आप लोग यहाँ पर हमारा स्कोर देख सकते हो, हम लोग मास्टर 2 स्टार पे तो आ चुके हैं। एंड गाइस हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोग को यह एपिसोड पसंद आए तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके ये वाला एपिसोड भी देख सकते हो।